सो यू गाइस वेलकम बैक। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाइथन में कैसे कमेंटिंग कैसे कर सकते हो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी लैंग्वेज यू विल टच विद इट। ओके, तो आप पाइथन में कैसे आप कमेंटिंग करोगे मैं इस वीडियो में बताने आ रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली पाइथन में दो तरीके होते हैं कमेंटिंग करने के, एक आप हैश टैग से कर सकते हो हैश से, और दूसरा क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग इसको बोलते हैं आई गेस, ठीक है ना। ये क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट के लिए ये यूज होता है और सिंगल लाइन के लिए ये यूज होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप सी लैंग्वेज पढ़े होगे तो ये सिंगल लाइन के लिए यूज होता है और मल्टी लाइन के लिए ये वाला यूज होता है, ठीक है ना। तो ये मल्टी लाइन के लिए, ये सी सी प्लस में ये दोनों यूज होता है ये वाला। पाइथन में सिंपल है, सिर्फ हैश का यूज करो, ठीक है ना। मल्टी हैश का, जितना भी हैश का यूज करो तो सिंगल हैश होना चाहिए, ठीक है ना। और ये क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यूज होता है। तो कैसे ऐड करते हैं कमेंट्स, मैं सपोज मैं कोई कोड लिखता हूँ लाइक प्रिंट दिस इज वीडियो ऑन कमेंटिंग। ओके, तो ये हो गया, ओ को स्मॉल कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो कमेंट हो गया, अब मैं यहाँ पे ऊपर कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। जिस कमेंटिंग हम लोग ऐड क्यों करते हैं कि कोई दूसरा डेवलपर अगर उस कोड को देख रहा हो, ठीक है, कोई हमारा हेड देख रहा हो तो उसको लगे कि भाई ये कोड जो लिखा गया उस क्या मतलब क्या लिखा गया कोड पर, ठीक है ना। दिस इज व्हाई यू ऐड द कमेंट इन कोड। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ लाइक डिफाइन प्रिंट मेथड टू फॉर मैसेज, ऐसे आप कमेंट ऐड कर सकते हो, या फिर नीचे ऐड कर सकते हो मल्टी लाइन कमेंट्स लाइक दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, हे बडीज दिस इज जारुश व्हाट्सएप। सो दिस इज हाउ यू ऐड मल्टी लाइन कमेंट्स इन योर कोड, ठीक है ना। ऐसे आप चाहो जितना भी ऐड करो, ये खत्म नहीं होगा, मल्टी लाइन कमेंट है ना। तो आप मल्टी लाइन कमेंट्स ऐसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो होपफुली गाइस आपको समझ में आ गया होगा सिंगल लाइन कैसे करते हैं, और सिंगल लाइन आप और भी ऐड कर सकते हो। दिस इज एन अदर लाइन देख सकते हो, ऐसे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऐसे आप मल्टी लाइन बहुत सारे कर सकते हो। मुझे पर्सनली बताओ मुझे क्या एक्चुअली ये जो स्टाइल है डॉक्यूमेंट, इसका नाम देखो क्या, इसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल कमेंटिंग, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जब आप कोई कोड लिखते हो आपको पूरा ब्रीफ में बताना होता है, कोई आप कमांड, कोई आप सपोज एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें आपको एक पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बनानी होगी कोड के अंदर की हर एक स्ट्रिंग से क्या होगा, हर एक कीवर्ड से क्या क्या होगा, तो उस टाइम में डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग ऐड करते हो। पर ना मोस्टली लोग यही यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। आप इसको मल्टी लाइन क्रिएट कर सकते हो हैश टैग करके, ठीक है ना। इसको और ब्यूटीफुली डिजाइन कर सकते हो लाइक आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप इसको ऐसे थोड़ा डिजाइन कर दो ना तो थोड़ा और अच्छा लगता है। फिर लोग टैब का यूज करके इसको ऐसे ऐसे बहुत डिजाइन करते हैं, देखो। तो ऐसे आप इसको डिजाइन कर सकते हो, ये टोटली आपके हाथ में है, इसको आप कैसे डिजाइन करते हो। तो देखो थोड़ा ये अच्छा लग रहा है दिखने में और कुछ नहीं, देखो। तो ऐसे जो प्रोग्रामर्स होते हैं ऐसे ऐसे स्ट्रिंग को कमेंट ऐसे टाइप करते हैं, ठीक है। ये आप बहुत कम यूज करोगे, ये वाला ऊपर वाला ज्यादा यूज करोगे। सो गाइस दिस इज हाउ यू डू कमेंटिंग इन द पाइथन कोड, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है, कैसे आप प्रिंट कर सकते हो उसकी हेल्प से, जो कि आप वेरिएबल को अपने स्ट्रिंग के अंदर ही डिफाइन करके प्रिंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।